हेलो दोस्तों, मैं शफाक भट्ट, मैं कश्मीर से हूँ और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और ये वीडियो अपलोड करने का मकसद एक ही है कि जो RBI गाइडलाइंस आ चुकी हैं और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो पैनिक सेल कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैंने 2021 में बिटकॉइन के साथ रिलेट हुआ हूँ और मैंने बुक भी लिखी है बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या होता है, ट्रांजेक्शन कैसे होती है, माइनिंग क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो अभी के मोमेंट पर क्या हुआ है कि बहुत सारे भाई जिन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख में भी बिटकॉइन बाई करा है, तो वो अभी पैनिक में 3-4 लाख में वो सारा मनी सेल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे जब यूनो कॉइन है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा और उठा रहे हैं और ये सारा कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। तो मैं आपको खाली एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बात आपको पहले समझनी है कि डिसेंट्रलाइज उस चीज़ को कहते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड में खाली दो बंदे, एक बंदा इस चीज़ को यूज़ करता है तब भी बिटकॉइन बंद नहीं हो सकता है। तो माशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इंडिया में, खाली इंडिया में 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जो बिटकॉइन के साथ रिलेटेड हैं, चाहे वो इसके बारे में नॉलेज रखते हों या नहीं रखते हों। तो आपको खाली ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप पैनिक सेल ना करें, क्योंकि बिटकॉइन को कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर आपका जो एक्सचेंज भी बंद होते हैं तब भी आप विड्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो अपना मनी है वो विड्रा कैसे कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे। तो कि अगर इंडिया यूनो कॉइन, ज़ेप्पे या BNB वगैरह जितने भी एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, अगर उन सबको बंद भी करता है तब भी कुछ ऑप्शंस ऐसे बचे हैं कि आप अपना मनी विड्रा और डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना जो बिटकॉइन या सेल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बता दूं कि जो अभी जो बिटकॉइन का अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये आप ये समझ लो कि एक इंसान का एक टाइम पे एक ट्रेंड आता है जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, यानी वो पैसे ज़्यादा कमाना शुरू करता है। तो एक टाइम ये आता है, उस टाइम पे उसका जो है फाइनेंशियल क्रंच होता है, क्राइसिस हो जाती है, तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि इसका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि ये बंद हो जाएगा। तो आपको मैं पूरा श्योर करता हूँ कि जो बिटकॉइन का वैल्यू है इससे दुगना हो जाएगा और वो भी बहुत कम टाइम है। तो मेरी खाली एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, तो जो मेरे वीडियो बनाने का एक्चुअली मोटिव था वो है कि आप पैनिक सेल बिल्कुल भी ना करें। आप ये ना घबराएं कि मतलब अभी एक्सचेंजेस बंद होने वाले हैं, विड्रा और डिपॉजिट हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो पैसा है, जो क्रिप्टो पैसा है, वो ज़ाया हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आप डिपॉजिट और विड्रा कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।